नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल RAS एजुकेशन अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, आज यानी कि 23 मार्च 2021 को अभी हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जो परिणाम को लेकर तथा फिजिकल में 5 गुने विद्यार्थी क्यों नहीं बुलाई, उसके ऊपर दोस्तों अभी हाल ही में सुनवाई हुई है, जिसको लेकर अलग अलग से तरीके से उसको पेश किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल भी न घबराएं, पूरी सच्चाई यहाँ पर आप देख लें। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फिजिकल पर सिर्फ 3 जिलों की रोक लगाई गई है। ठीक है दोस्तों, आप बिल्कुल भी नहीं घबराएं। जिन विद्यार्थियों को 24 मार्च से फिजिकल था, यानी कि कल उनका फिजिकल था, वो निसंकोच होकर फिजिकल ग्राउंड में पहुंच जाएं। 5 बजे उनको फिजिकल ग्राउंड में पहुंचना है। भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर और करौली, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के जो भी विद्यार्थी हैं, जल्द से जल्द अपने फिजिकल ग्राउंड में पहुँच जाएँ। इनका फिजिकल बिल्कुल भी नहीं रुकेगा, इनका फिजिकल होगा दोस्तों, क्योंकि राजसमंद, बूंदी और GRP अजमेर, इन विद्यार्थियों ने, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, उन्होंने फिजिकल के लिए 5 गुने विद्यार्थी पास क्यों नहीं किए, इसके ऊपर रिट लगाई थी, जिसका हाई कोर्ट ने आज सुनवाई की है और दोस्तों इसको इलीगल माना है। ठीक है, तो ये 3 जिले हैं, 3 जिलों में ही रोक लगी है फिजिकल के लिए, और किसी भी जिले में नहीं लगी है। वैसे आपको बता दूं कि अभी फिजिकल के लिए पुलिस विभाग के द्वारा भी इन 4 जिलों का ही डिक्लेरेशन किया गया है। अभी और जिलों का RSC बटालियन ड्राइवर के पदों के लिए अभी दोस्तों फिजिकल के लिए नहीं बुलाए गए हैं। भरतपुर संभाग का सबसे पहले फिजिकल होने वाला है, इसके बाद में ही अन्य जिलों का होगा। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई कि सभी जिलों का फिजिकल नहीं रोके गए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 जिलों के फिजिकल रोके गए हैं, जिनमें बूंदी, GRP अजमेर और दोस्तों ये राजसमंद जिला है, क्योंकि जो ये जाखड़ है, एक स्टूडेंट, उसके द्वारा यहाँ पर रिट लगाई गई थी। ठीक है दोस्तों, अब एक और अफवाह बहुत तेजी से चल रही है कि रिजल्ट दोबारा आएगा। ये बहुत ही दोस्तों, अब ऐसे चांस मुश्किल ही बन सकते हैं कि रिजल्ट दोबारा आएगा, क्योंकि पुलिस विभाग जिस प्रकार से प्रक्रिया कर रहा है, जिस प्रकार से प्रोसेस चल रही है पुलिस विभाग की, तो यहाँ पर रिजल्ट का दोबारा से आना मुश्किल ही लग रहा है। वैसे दोस्तों, जैसी भी जो भी खबर आएगी, आपको इस चैनल के माध्यम से मैं अपडेट करवाता रहूँगा। हाई कोर्ट का फैसला चल रहा है, ऐसा नहीं है, ये तो राजसमंद, बूंदी और GRP अजमेर वाला रिट थी, उसका फैसला है। अभी कोटा ग्रामीण वाले विद्यार्थी हैं, उन्होंने भी रिट लगा रखी है, उनका भी जैसा भी जो भी फैसला आएगा दोस्तों, उसको भी आपको तुरंत से मैं सूचित करूंगा। ठीक है, आगे की प्रोसेस यही है कि 3 जिलों को फिजिकल रोक दिया गया है, आगे के जिलों का जल्द ही फिजिकल की डेट आ जाएगी। अभी दोस्तों यहाँ पर पुलिस विभाग अपनी प्रक्रिया कर रहा है, राजस्थान हाईकोर्ट अपनी प्रक्रिया कर रहा है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब दोस्तों, वैसे तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि एक एक देखे तो दोस्तों, ये विद्यार्थियों के साथ गलत ही हुआ है, क्योंकि 5 गुने विद्यार्थी पास करने थे लेकिन नहीं किए गए हैं। दूसरी बात, कोटा ग्रामीण से 74 OBC की सीट थी, जिनमें से मात्र 45 विद्यार्थी पास किए गए हैं, सभी एक्स सर्विसमैन ले लिए गए हैं। तो ये आखिरकार विद्यार्थियों में जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, निराशाजनक ही रहा है। लेकिन यूट्यूबरों का काम है दोस्तों, जैसी भी जो भी न्यूज़ आती है, आपको उससे अवगत कराना, इसलिए दोस्तों हम आपको हर एक न्यूज़ से अवगत कराते हैं, सभी यूट्यूब वाले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नई जानकारी लेकर। दोस्तों, वीडियो इसलिए बनानी पड़ी थी कि जो अभी हाई कोर्ट का फैसला आया है इन 3 जिलों को लेकर, यहाँ पर विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट कर रहे थे, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले, कि सर हम फिजिकल देने जाएं या नहीं जाएं, आप निसंकोच होकर बिना घबराए हुए आपको फिजिकल देने जाना है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद प्रूफ के साथ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।